देखो जरा, डेफरे ने पूरे घर को नचा कर रख दिया। मैं ऐसे ही शरारती थी। ओह, वो तो मुझसे कहती थी कि मेरे करीब मत आना वरना छत से छलांग लगा दूंगी। ये क्या? पता नहीं। अच्छा, तो अब अनजान बन रहे हो? नहीं तो। मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है और इसी जज्बे से सरशार रहना कभी ये गम तो कभी खुशी देता है। मेरी दुआ है कि तुम लोग जहां भी रहो खुश रहो, लेकिन अपनी मोहब्बत के साथ। प्यारी बेटी, किसी की परवाह किए बगैर अपनी मर्जी से जिंदगी जियो। सिर्फ अंदर की आवाज पर भरोसा रखना, जो बाहर की आवाजों के मुकाबले में गहरी और सच्ची होती है। सबसे ज्यादा पछतावा किसी काम के करने से नहीं, ना करने से होता है। कभी हमारी ख्वाहिशें हमारी जिम्मेदारियों के पीछे छुप जाती हैं। हमें इन्हें छुपाना या खत्म नहीं करना चाहिए। ये हमारी ख्वाहिशें ही हैं जो हमें जिंदा रखती हैं। लेकिन इन ख्वाहिशों से ज्यादा जिम्मेदारियां अहम होती हैं। चुप रहना पड़ता है, सब्र से काम लेना पड़ता है। वाली चीज कभी वापस नहीं आती। इंसान को तब होश आता है जब वक्त हाथ से निकल जाता है। बेहतर वही है जो वक्त की उंगली थाम ले, और जो रह जाता है वो आईने में भी अपनी शक्ल देखकर डर जाता है। लेकिन बेसुध इंसान फिर भी अकेला है, हत्ता के भीड़ में भी।
नीम की मलिका, गुड मॉर्निंग, चलो उठो अब। नींद पूरी नहीं हुई तुम्हारी, सोने दो ना। उठो भाई प्लीज, चलना नहीं क्या? तुम तो कह रही थी बहुत सारे काम है। क्या टाइम हुआ है? 8 बजने वाले। क्या, मैं तो लेट हो गई। चलो लड़की मुंह खोलो, खोलो चलो। अरे नाश्ता तो कर लो, दिल नहीं चाह रहा मेरा। छोड़ दो, जब भूख लगेगी तो खुद खा लेगी। देखने तुम तो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बर्क डियर। आज रात भी रुक जाओ ना। हाँ बिल्कुल बर्क, रुक जाओ ना। ओके, क्यों नहीं? सच कह रहे हो? हाँ पापा, अब किसी को नाराज तो कर नहीं सकता। ओके फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है, आप लोग नाश्ता करें। ओके बेटा, अल्लाह। गुड मॉर्निंग आंटी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अम्मी आप ठीक तो है ना? बिल्कुल, क्यों मुझे ठीक नहीं होना चाहिए बोलो। सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कितनी हसीन सुबह है, हर एक के चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। चले आप लोग इत्मीनान से नाश्ता करें, हम चलते हैं। नाश्ता नहीं करना तुमने? अम्मी बहुत काम है आज। सी यू भाई। ओके अल्लाह हाफिज। क्या हुआ इन दोनों को, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं अम्मी। तुम जरा कॉलेज जाओ और पता करो अपने एडमिशन के बारे में। आप मुझसे कह रहे हैं? जाहिर है। ओके ठीक है दादा जान, पर मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे। ऐसा करो मेहमत से बात करो, वो तुम्हें दे देगा पैसे। ओके दादाजी। अरे वाह, यकीन नहीं आ रहा। सुपर है दादा आप, सुपर है, सुपर। थैंक यू, आप बेस्ट है दादा। देखो तो जरा इसको, कितनी जल्दी बदल गया है ये। तो मैं छोड़ने से पहले कुछ खा ले? मैं वर्कशॉप में कुछ खा लूंगी। चलाओ ना गाड़ी मेहमत। नूर, हम दोबारा सेलिब्रेट करें क्या अपनी शादी को? और क्या, तुम्हारा मतलब है कोई जश्न होना चाहिए? मैं वो सारी खुशियां तुम्हें जो नहीं दे सका वो देना चाहता हूं। इजाजत दो तो। अहमद ट्रैफिक जाम हो रहा है, अभी तो चलो यहां से प्लीज। चलो ना मेहमत, बुरा लग रहा है। आप जवाब नहीं देंगी तो गाड़ी नहीं चलेगी जनाब। अरे इस वक्त मैं क्या कह सकती हूँ मेहमत, सोच के करेंगे ना डिसाइड। ठीक है, जवाब दो नूर, दरखास्त रद्द मत करना प्लीज। ठीक है। मैं चाहता था तुम्हें सरप्राइज दूं। समझ नहीं आ रहा कैसे शुक्रिया अदा करूं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है नूर, बस दिल से काम करो। ये सब क्या हो रहा है बताएं? हिम्मत कैसे हुई उसकी ये सब करने की? मैंने तुम्हें कहा था अब तुम्हारी बारी है केयरफुल रहना। लेकिन कोई वजह भी तो हो आखिर किस बुनियाद पर? कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है किसी पर, और अब तो वो बॉस बन चुका है। पप्पू जान